अनन्या माम ये जना पी उुपासते योगम अहाम्य हम नमस्कार इसी पवित्र गीता वचन के साथ स्वामी समर्थ जी ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया है नमस्ते विदिस् हिम फ्रॉम द भगवद्गीता श्री स्वामी समर्थ जी हैज़ ब्लेस्ड हिज फॉलोअर्स स्वामी समर्थ जी का आगमन अक्कलकोट ग्राम में अठारह में हुआ था और उसके पश्चात बावीस वर्ष स्वामी जी का यहाँ पे निवास रहा काफ़ी लोगों ने मुझसे आग्रह किया था कि गुरु परंपरा के विषय में थोड़ा आप बताएँ ताकि हम समझ पाएंगे कि क्या हमारी गुरु परंपरा है क्या हमारा पूरा जो जो गुरुओं की जो जो श्रृंखला है वो किस प्रकार से है क्या हम उसको ठीक से समझ पाए मैनी पीपल had सजेस्टेड टू मी दैट दे वुड वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट the गुरु lineage of ऑफ अक्कल of ऑफ शिवपुरी of अग्निहोत्रा itself, सेल्फ so सो to टू अंडरस्टैंड बेटर Uh, the whole background from where this whole message, this whole movement started. This here is an idol of Sri Swami Samartha Maharaj uh, who arrived in the town of Akkalkot in the year 1856. And from there till his Samadhi in the year 1878, he stayed in Akkalkot and gave spiritual guidance and blessings to thousands and thousands of people from all over the world, literally. उनके अक्कलकोट ग्राम में बावीस वर्ष के अपने निवास के काल में स्वामी जी ने असंख्य लोगों को दर्शन दिया आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया और अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर उनका जीवन परिपूर्ण करने की ओर उनको अग्रसर किया उनके अवतार समाप्ति के पूर्व अक्कलकोट के एक शिव मंदिर में उस शिवलिंग पर स्वामी जी ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और स्वयं अपने हाथों से वहाँ पर उन्होंने उस शिवलिंग पर यज्ञ किया और ऐसा उन्होंने ऐसा उसके माध्यम से दर्शाया कि आने वाला काल जो है वो अग्नि उपासना का अग्नि सेवा का अग्निहोत्र का काल होने वाला है ऐसा दर्शन उन्होंने अपने जीवन काल में ही दिया था uh, स्वामी जी हिमसेल्फ बिफोर टेकिंग समाधि हैड कंडक्टेड यज्ञ इन वन ऑफ अ वेरी पॉपुलर शिवा टेम्पल इन अक्कलकोट wherein he organized uh, and arranged uh, a lot of cow dung and various other Yadna equipment on the Shiva idol itself and uh, performed this yadna there. And then uh, basically he was depicting the coming times of Agnihotra and the global spread of Agnihotra from this holy town of Swami uh, Swamiji initiated a group lineage uh, in his own uh, uh, name, टू स्प्रेड फार एंड वाइड अ मैसेज ऑफ हीलिंग अ मैसेज ऑफ विजडम अ मैसेज ऑफ़ फ्रीडम एंड हैप्पीनेस टू द एंटायर मैनकाइंड स्वामी जी ने अपने अवतार काल में एक अनाजि अविच्छिन्न गुरुपीठ गुरु की स्थापना की थी अक्कलकोट में और उनकी आज्ञा ऐसी थी कि यावच चंद्र दिवा करो जब तक सूरज चांद्र रहेगा तब तक लोक कल्याण के लिए इस गुरुपीठ के माध्यम से वैश्विक कार्य चालू रहना चाहिए उसके माध्यम से धर्मकार्य होना चाहिए और इसी के पीठ के गुरुपीठ के माध्यम से कि विश्व को कल्याणकारी विश्व में सर्व जीवों को आनंदी सुखमय जीवन आरोग्यपूर्ण जीवन जीने का एक संदेश इस गुरुपीठ के माध्यम से दिया जाए ऐसी उन्होंने आज्ञा की थी और इसी इच्छा को उन्होंने अपने परम शिष्य श्रीमद सदगुरु स्वा, श्री बाड़प्पा महाराज जी के सामने रखा था स्वामी जी हैड एक्सप्रेस्ड हिज विल Uh, his uh, 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 wishes that he wanted uh, to create a lineage of gurus which would work for time generations to come to spread the word of a happy fulfilled and holistic healthy life for every being on the planet and keep working generation after generation to make sure that the message of dharma the message of uh, purity and the message of wisdom and vedic knowledge keeps uh, uh, getting delivered around the world and keeping this uh, will in mind, he initiated a guru tradition, a guru lineage here in Akkal And uh, through his devout uh, disciple, Sri Balapamaraj, Maharaj, I'll just show you. Here, I'm sure you can see, if it's a little unclear because of the shadow. Here is an idol, here is a uh, photograph of Bharapa Maharaj Balapa Maharaj came from a town called Haveri in Karnataka and uh, he stayed uh, in service of his guru, his Swami Samarth Maharaj uh, for years. And during this period, Swami Ji initiated him uh, uh, as in, into the guru tradition and uh, ordered him to take the mission forward. Uh, so from the year in, uh, 1978 onwards, Balapa Maharaj traveled literally around the country and created many Swami Samarth temples. created लॉर्ड ऑफ लीनियजेस मैनी लीनियजेस इन स्वामी जी इज़ नेम यहाँ ये श्री बाड़पा महाराज जी का क्या एक फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है थोड़ा लाइट के वजह से शायद स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा होगा uh, लेकिन बाड़पा महाराज जी uh, कर्नाटक के हावेरी गांव से आते हैं और कई वर्ष उन्होंने स्वामी समर्थ जी की सेवा यहाँ पर अक्कलकोट में रह की और इस काल के दौरान स्वामी समर्थ जी ने उनको गुरुपीठ स्थापन करने की आज्ञा दी और सारे निजी वस्तु जो थे उनके स्वामी जी के जितने भी उनके जो एक मुखी रुद्राक्ष हो या हाथ की उनकी जो एक अंगूठी हो छत्र हो कमंडलु हो दंड हो ये सारा उनको देकर उनको अधिष्ठित बना किया और उस गुरु परंपरा को स्थापित कर इस अनादि अविच्छिन्न गुरुपीठ को स्थापित कर स्थापित कर यावच्चंद्र दिवाकर करो धर्म कार्य के लिए उनको प्रेरित किया तो स्वामी समर्थ जी के अवतार समाप्ति के पश्चात बाड़प्पा महाराज जी ने भारत भ्रमण किया अनेकों गाँवों में जाकर स्वामी समर्थ जी के तत्वज्ञान का प्रचार किया और उसी के साथ अनेक स्वामी मंदिरों की भी स्थापना की और यहाँ पे अक्कलकोट में उन्होंने इस गुरुपीठ के कार्य के लिए ये ये जहाँ हम खड़े हैं इस गुरु मंदिर की स्थापना की बाड़ापा महाराज जी हिमसेल्फ ट्रैवल्ड लिटरली अराउंड द कंट्री टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्वामी समर्थ जी एंड क्रिएटेड मेनी टेम्पल्स अराउंड इंडिया एंड ऑल्सो क्रिएटेड दिस वंडरफुल प्लेस कॉल गुरु मंदिर हियर इन अक्कलकोट टू टेक द फॉरवर्ड द मिशन ऑफ दिस गुरु लिनीज आफ्टर स्वामी स्वामी बाड़प्पा महाराज जी समाधि हिज डिसपल श्रीमद गंगाधर महाराज जी टुक द मिशन फॉर्वर्ड एंड ही ट्रैवल्ड राउंड द कंट्री क्रिएटेड मेनी कॉन्ग्रिगेश कंट्री एंड स्प्रेड द वर्ड ऑफ धर्म आई एज ऑर्डर्ड बाई हिज गुरु श्री बाड़प्पा महाराज जी के अवतार समाप्ति के पश्चात उनके शिष्य श्री गंगाधर महाराज जी इन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और विश्व भारत भर में भ्रमण करके धर्म कार्य का विस्तार किया यहाँ पे हम ये देखते हैं ये एक शयन कक्ष बनाया गया है ये स्वामी समर्थ जी की स्मृति प्रत्यर्थ बनवाया गया था क्योंकि बाड़ाप्पा महाराज जो थे वो स्वामी समर्थ जी के सेवा में थे तो रात भर स्वामी जी की वो सेवा में तत्पर रहते थे कि कभी भी स्वामी अगर नींद से जागते हैं तो उनके शिष्य उनका शिष्य उनके सामने जा, जाग दिखना चाहिए ऐसी उनकी एक इच्छा हुआ करती थी तो जब स्वामी जी अमर जी अपने शयन कक्ष में विराजमान होते थे तो उनके नीचे ज़मीन पर बैठ कर महाराज जी वहाँ उनकी सेवा करते थे और नींद ना आए सो न जाऊँ इस आशा से अपने जो चोटी के बालों की एक चोटी बनाकर वो उस पलंग को बांध देते थे ताकि अगर नींद भी आए झपकी आती है तो उस दर्द से वापस वो जाग जाएं This here is a, is a metaphorical place of rest created uh, in memory of Swami Samarth Maharaj because Vadapa uh, Maharaj himself was in service of Swamiji for many years and he would always sit uh, near the bed of Swami Samarji while he used to take rest in the night so that whenever if Swamiji awakens in the night, he should always find his devotee ready to uh, be of service. So to make sure that he himself doesn't fall asleep, बालापा महाराज वुड टाई अ टफ्ट ऑफ इज हेयर टू द लेग्स ऑफ द बैड सो दैट वेनेवर इफ यू फेल स्लीप ही द पेन फ्रॉम द पुलिंग पुलिंग ऑफ द हेयर वुड वेक हिम अप एंड देन ही वुड स्टे अवेक दैट वॉज द काइंड ऑफ डिवोशन दैट वॉज द काइंड ऑफ डेडिकेटेड फेथ दैट बाड़पा महाराज हैड हीन इज गुरु इतनी श्रद्धा से इतनी भक्ति से बालापा महाराज जी ने स्वामी समर जी की सेवा की थी और उसी uh, सेवा कार्य uh, को देखकर शायद स्वामी समर्थ जी ने उनको uh, कुलदीपक इस, इस, इस उपाधि से न, uh, उनका नवाजा था और उनको इस ग्रुप परंपरा के कार्य के लिए uh, उनक, उनका चुनाव किया था मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन्स दैट स्वामी समर्थ जी चोज हिम टू बी द हेयर अपेरेंट फॉर हिज फॉर हिज लिनिएज एंड टू टेक हिज मिशन फॉरवर्ड ऑल हिज लाइफ बालपा महाराज नेवर एट अ फुल मील सिंस ही टूक ओवर दिनिएज He's completely fasted all his life. Only ate a handful of peanuts uh, or some fruits, uh, and and his and his, uh, and his uh, rule was that he would only eat one handful of peanuts in the entire day, uh, and uh, sustain just on that. So there was a lot of uh, rigorous penance that he undertook. Similarly, Gangadhar Maharaj here also undertook a lot of rigorous penance and only ate uh, fruits, uh, a handful of fruits. It could be. मोस्टली ग्रेप्स और सम सच फ्रूट दैट ही वुड ईट इन इन ट्वेंटी फोर आवर्स पीरियड एंड सस्टेन हिमसेल्फ जस्ट ऑन दैट एंड डिड रिगरस पेनन्स लॉर्ड ऑफ तपा हिमसेल्फ टू टेक दिस मिशन फॉर्व दोनों जो सदगुरु जी थे बाड़प्पा महाराज जी थे उनका एक नियम हुआ करता था कि वो uh, आयुष्य भर उन्होंने जब से गुरु परम्परा का कार्य संभाला तब से कठोर तपाचरण किया uh, उन्होंने भोजन का पूर्णतः त्याग किया था और केवल मुट्ठी पर पीनट्स यानी मूंगफली खाकर वो अपना गुजारा किया करते थे कठोर तपाचरण से जीवन उन्होंने व्यतीत किया अनेकों घंटों तक वो ध्यान में मग्न रहते थे और अन्न का त्याग पूरी तरह से किया था इस इस इतनी कठोर तपाचरण करके उन्होंने इस गुरुपीठ का एक कार्य आगे बढ़ाया उनके पश्चात गंगाधर महाराज जी ने भी कठोर तपाचरण को इस, की, इस परंपरा को आगे शुरू रखा और उस उसी तपाचरण के परंपरा से उन्होंने भी अन्न का त्याग किया था और केवल मुट्ठी पर फल खाकर या जैसे कोई अनार हो या ऐसे कोई फल खाकर केवल वो उन्होंने जीवन व्यतीत किया कि कभी भी जिसको हम रोटी सब्जी दाल चावल ऐसे भोजन कहते हैं कभी भी भोजन का सेवन नहीं किया और कठोर तपाचरण श्रद्धा भक्ति नित्य ध्यान मग्न रहना यही उनके जीवन दिन, दिनचर्या हुआ करती थी और इस तपाचरण के ही माध्यम से इस गुरुपीठ का कार्य आगे बढ़े ऐसी इन सारे गुरुओं की एक एक, शिक, शिक, एक एक टीचिंग है एक हमको शिक्षा उनकी उनके तरफ से ये मिली है और श्री गंगाधर महाराज जी की समाधि के पश्चात फिर अठारह वर्ष के परम सदगुरु श्री गजानन महाराज जी का गुरुपीठ पर गुरु पीठाधीश इस इस पद पर उनका नियुक्ति की गई तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गर्भगृह जो है अंदर यहाँ पे बाड़पा महाराज जी की समाधि है और यहाँ पे दाइनी तरफ परम सदगुरु जी की जो तस्वीर लगी है उसके नीचे जो है वो गुरुपीठ है वही अनाध अविच्छिन्न गुरुपीठ जिसकी स्थापना श्री स्वामी समर्थ महाराज जी ने की थी और इसी गुरुपीठ पर विराजमान होकर परम सदगुरु जी ने वैदिक तत्वज्ञान और स्वामी समर्थ गुरु परंपरा के जो तत्वज्ञान है उनका सार स्वरूप पंच मार्ग और अग्निहोत्री की संदेश विश्व को दिया है इन हियर इन देंटम सैक्टोरियम यू कैन सी द समाधि और द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ बालापा महाराज एंड ऑन द लेफ्ट हियर अंडर द फोटोग्राफ ऑफ परम सदगुरु यू कैन सी दी गुरुपीठम और दी the seat of the master, initiated by Swami Samarth himself, sitting on this very Guru pitham uh, Param Sadguru, gave the message of fivefold path and Agnihotra to the world, which is the gist of all the Vedic philosophy and the teachings of the Swami Samarth lineage. So, from here, from this small little uh, monastery, in the small little town of Akkalkot, in a rural part of India, he started the mission that was started for global uh, revival uh, It was initiated from this very place. अक्कलकोट uh, के जैसे छोटे ग्राम गांव में एक इस छोटे मठ से भारत जैसे एक देश से जो कार्य आज 160 वर्ष पूर्व शुरू हुआ एक वर्ष पूर्व शुरू हुआ वो आज विश्व भर में फैला है विश्व का कल्याण होए समस्त मानव मात्रा का कल्याण होए समस्त जीवों का कल्याण होए इस ये जो ईश्वरी इच्छा को पूरा करने के लिए गुरु परंपरा यहाँ अवतरित हुई उस कार्य को आज जब विश्वभर में अग्निहोत्र प्रचारक आगे लेके जा रहे हैं स्वामी समर्थ हिमसेल्फ नेवर सेट दैट ही वेयर ही केम फ्रॉम वट वॉज इज नेम एवरीथिंग दैट इज नोन अबाउट हिम इज नोन अबाउट फ्रॉम द मैसेजेस दैट ही गेव एंड ऑल द डिवोट इज स्प्रेड फॉर एंड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड टूडे कम टू अक्कलकोट सीकिंग दर्शन ऑफ द होली मास्टर स्वामी समर्थ जी के बारे में जितनी भी उनकी जो निज जानकारी है उनके बारे में जो व्यक्तिगत जानकारी है वो उनके शिष्यों के माध्यम से उनके प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो समझ में आई उतनी ही है स्वामी समर्थ ये नाम भी शिष्यों ने उनको दिया उन्होंने कहा था कि अनेकों वर्ष तपाचरण खत्म कर कर हम इस भूमि पर अवतरे हैं ताकि यहाँ से धर्मकार्य हो विश्व का कल्याण हो समस्त मानव समाज का कल्याण हो यही हमारी कामना है और इसी कामना को परम सदगुरु ने कहा कि समस्त भूमंडल पर कल्याणकारी एक जीवन प्रस्थापित होवे साथ ही में सभी समस्त जीवों का कल्याण होवे यही हमारी जीवन कामना है यही जीवन का उद्देश्य है इसी जीवन उद्देश्य को लेकर इन गुरुओं ने आज तक एक सौ वर्ष काम किया और इस कार्य को विश्वभर में आज फैलाया है कीपिंग द सेम थाट कीपिंग द सेम मिशन इन माइंड दैट स्वामी समर जी इनिशिएटेड एवरी गुरु आफ्टर हिम टुक द टुक द वर्क फॉरवर्ड एंड परम सदगुरु that to create a, 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 a place, a, a, a world that is in harmony, that is in peace, to create healing for humanity, to create uh, wellness and well-being for the entire planet is our only mission and only purpose of life. and that purpose they have followed rigorously for uh, their entire life period. param sadhguru himself spent years and years in penance uh, from the year age of, age of six. He began uh, rigorous fasting, rigorous penances to the age of, to the day he finally left his body. So here is uh, this Guru tradition that has been working towards uh, global revival for the last 165 odd years. Uh, one more I think I would say that uh, uh, Swami Samarji like showed the uh, uh, indication of the coming Agnihotra time. Param Sadguru then... रिवील्ड दिस अग्निहोत्रा मैसेज टू द वर्ल्ड एंड दे देर इज अ वेदिक देर इज अ गीता हिम दैट बेसिकली सजेस्ट दल पर्पज ऑफ दिस मिशन इट इज यज्ञाथात कर्मणो अत्र लोको यं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन तय मुक्त संग समाचार गीता का ये श्लोक जो है uh, जिसमें इस uh, गुरु परंपरा की जो भी uh, ये कार्य प्रणाली है उसको संक्षिप्त में आप देख पाओगे उसमें भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि यज्ञ ही एक केवल ऐसा कर्म है जो सर्व कर्मों के बंधनों से मुक्त करता है और यज्ञ कर्म के आचरण से हे अर्जुन तू नित्य यज्ञ कर्म कर और यज्ञ कर्म के आचरण के माध्यम से मुक्त होकर आनंदी सुखी परिपूर्ण जीवन का अनुभव कर तो लॉर्ड कृष्णा इन दिस हिम सेज दैट यज्ञ और अग्निहोत्रा इज अ पाथ टुवर्ड्स वननेस पाथ टुवर्ड्स लाइट एंड पाथ टुवर्ड्स अ फुलफिल्ड हैप्पी लाइफ सो एवरी शुड Perform Agnihotra daily and experience what a truly free, truly blissful life is. So, we followers and disciples of Param Sadhguru uh, have always felt that his message is for freeing people from the bonds of uh, ignorance, from the bonds of uh, generations of uh, uh, a template driven life and towards a fulfilled, happy, free life. परम सदगुरु के जितने भी नित्य निज अनुयायी हैं जितने भी भक्त हैं वो ये समझते हैं वो जानते हैं कि परम सदगुरु का जो संदेश है वो मुक्त जीवन स्वच्छंदी जीवन की ओर ले जाने का है आनंद की ओर ले जाने का है और युगानुयुग से जो मानव समाज के के प्रश्न हैं जितने भी बंधन मानव समाज पर हम हमने स्वयं लगाए हैं उन सबको हटाकर कर उस कल्क को दूर करके एक प्रकाश का मार्ग दिखाने का है एक मुक्ति का मार्ग दिखाने का है इस प्रकार से हम जानते हैं और यही इस गुरु परंपरा की विशेषता है विश्वभर में आज ये जो धर्म कार्य चल रहा है इसी पवित्र स्थान से शुरू हुआ है और इसी पवित्र स्थान से आज भी उसको प्रेरणा शक्ति ऊर्जा मिलती है uh, तो इसका दर्शन करने का देव दुर्लभ आज हमको संधि uh, यहाँ मिली है राइट फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस होली लैंड द मिशन वॉज इनिशिएटेड एंड इवन टूडे द द मिशन गेट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी लॉट ऑफ हीलिंग फ्रॉम दिस होली प्लेन होली प्लेस होली लैंड from The grace of the master, from the grace of the guru, and uh, even today, all of us who are working for the mission feel the energy emanate from this, uh, uh, you know, uh, this sacred place, uh, and it that is what drives us every day to get up and work uh, for this, for the betterment of the world, for the betterment of the planet. So, here, I, like I said, I wanted to give everybody a darshan of this uh, Guru Pitam, of this uh, Guru tradition. So, today, I told this Pavitra uh, Guru. पीठ का मैं आपको सबको दर्शन कराऊंगा, थोड़ी जानकारी भी इसके बारे में मैं जितनी दे पाया हूँ उतनी मैंने दी है आज और शायद मैंने ये एक शायद ये चीज़ बतानी रह गई कि यहाँ पे ये गंगाधर महाराज जी की समाधि की जगह है और यहाँ पे श्रीमद भगवान दत्तात्रेय जी की प्रतिमा मनोहारी प्रतिमा रखी गई है जो इस पूरे गुरु परंपरा के अधिष्ठात्री हैं जिन जिनके आशीर्वाद से गुरु परंपरा Uh, का प्रारंभ हुआ है हियर इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ श्री गंगाधर महाराज एंड हियर इज द आइडल ऑफ लॉर्ड दत्तात्रेय फ्रॉम हुज ग्रेस द होल लीनिएज वॉज इनिशिएटेड सो आज uh, के इस दिन पर इस इन पवित्र पादुकाओं का दर्शन लेकर हम इस सत्र का अंत करेंगे और uh, उसी उसी श्लोक का हम यहाँ पे उच्चार करेंगे जिस श्लोक के माध्यम से श्री स्वामी समर्थ महाराज जी ने Uh, अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया था सो वी विल टेक दर्शन ऑफ द होली पादुकाज हियर एंड फिनिश द सेशन बाय चैंटिंग ऑफ द सेम हिम दैट स्वामी समर्थ महाराज हिमसेल्फ चैंटेड एज बेनिवलेंस एंड ग्रेस टू हिज डिसाइपल्स ओ मनन्याश्चित मे जन पर्युपास तम निभियुक्ता योगक्षेम वहाम्यहम ओ मनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ओ मनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं सिद्धान्तवदूतचिन्तनश्रीगुरुदेवदत् श्रीस्वामी की जय